तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा का दोस्तों विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट समय तक, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा का पूरा विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा, कितना क्वेश्चन पेपर आपका पूछा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, हमारे द्वारा जो कक्षा 9वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए थे, अगर दोस्तों आपने सभी सेट पेपर देखे होंगे तो उसमें से दोस्तों आपके पूरे के पूरे दोस्तों 101% दोस्तों क्वेश्चन इस बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिले होंगे। आप पूरा का पूरा उससे मिलान कर के देख सकते हो। देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका सेट बी है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें कौन सा सेट है। सेट बी दोस्तों आज हमारे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, तो इसलिए आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इसको पूरा जरूर देखेंगे ताकि दोस्तों आप सबको ये सेट बी समझ में आ सके और इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ सके। तो चलिएगा प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कक्षा 9वीं का आपका जो विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर हुआ वो किस प्रकार का परीक्षाओं में पूछा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक जरूर देखना होगा, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के उत्तर आपको समझ में आ पाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकांड्रिया। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लेता है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन दोस्तों आपका हो जाएगा। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का है। देखिएगा दोस्तों क्या करता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा प्रतिरोध करता है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, त्वरण का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है त्वरण का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यह आ जाएगा MS-2। और उसी के अलावा दोस्तों आगे आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो क्या लिखा गया है, समसूत्री विभाजन में एक पेतरक कोशिका से कितने संतति कोशिकाएँ बनती है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका खा नंबर का आ जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे 2। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, शुष्क बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा गति बढ़ जाएगी, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा CNG गैस प्रयोग में ली जाती है। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख पा रहे हो, परम शून्य ताप होता है। देखिएगा दोस्तों, किसे परम शून्य ताप कहा जाता है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस को दोस्तों परम शून्य ताप कहा जाता है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केंद्रक की खोज वैज्ञानिक ने की थी। देखिएगा दोस्तों, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे, रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, तो आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग मिलान कर लेंगे, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। देखिएगा दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है यहाँ से आपको बताना है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे त्वरण। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? त्वरण, इसे त्वरण कहा जाता है दोस्तों। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा गया है इसमें से आपको लिख लेना न्यूटन। क्या लिख लोगे? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु का जड़त्व की माप होती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा गया है इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिख लेना है, द्रव्यमान। क्या होती है दोस्तों? द्रव्यमान। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रोमोसोम DNA तथा RNA के बने होते हैं, तो आप लोग दोस्तों यहां से इसको नोट कर लेंगे। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, यहां से आप लोग नोट कर लेंगे, ऊतक। क्या लिख लोगे? ऊतक, यहाँ से आपको लिख लेना है, ऐसे विभाजित
जो शीर्ष में पाए जाते हैं कहलाते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है यहाँ से आपको लिख लेना है, प्राथमिक ऊतक इन्हें कहा जाता है, प्राथमिक। उसी के अलावा दोस्तों आगे क्वेश्चन देख पा रहे हो, यहाँ से दोस्तों आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से सही जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेंगे। पहले नंबर की सही जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको कर लेना ई नंबर से, और उसी के अलावा दोस्तों दूसरे नंबर की सही जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका हो जाएगा सी नंबर से, और तीसरे नंबर की सही जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर से। आप लोग इससे कर लें, लोहे में जंग लगना दोस्तों ये किस प्रकार की क्रिया है। देखिएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसको देखें, शुरू से देखते हैं। न्यूटन की गति का नियम की जोड़ी दोस्तों आपको मिला लेनी है इससे, गति के नियम से, और इसके अलावा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की कोशिका भित्ति इसकी जोड़ी मिलानी है दोस्तों सेल्युलोज से, इससे इसकी मिलेगी प्रकाश संश्लेषण। देखिएगा दोस्तों इसका जो जोड़ी दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 की, इसकी मिल जाएगी दोस्तों आपका हरित लवक से। इसके अलावा लोहे में जंग लगना क्वेश्चन नंबर 4 पे जो लिखा गया है, इसकी जोड़ी दोस्तों मिल जाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया से। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो देखिएगा दोस्तों कोशिका की खोज हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। उसी के अलावा दोस्तों चंद्रमा, इसकी जोड़ी मिलान कर लेना है दोस्तों आपको ई नंबर वाले क्वेश्चन से। वेग में कमी, इसकी जोड़ी दोस्तों आपको बंधन, इसी के अलावा इसकी इससे कर लेनी है। देखिएगा दोस्तों पूरा का पूरा जोड़ी मिलान मेरे द्वारा यहाँ पर आपको समझा दिया गया है, आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा दोस्तों आगे दिया गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से दोस्तों आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार वायतन दोनों निश्चित हो कहलाती है। देखिएगा दोस्तों इसको कहते हैं ठोस अवस्था। क्या लिख लोगे आप इस जगह से, ठोस अवस्था आप लोग लिख लेंगे। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों ये जो विधि होती है ये होती ऊर्ध्वपातन। कौन सी विधि होती है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन विधि होती है। आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा दोस्तों इसको अलग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, जड़त्व किसे कहते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जड़त्व किसे कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर मैं तो आपको बोल के दिखा रहा हूँ, आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार से परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, संवेग क्या है। देखिएगा दोस्तों आपको ये बताना संवेग क्या है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। देखिएगा दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ पर होता है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा राइबोसोम में। कहाँ पर होता है दोस्तों, राइबोसोम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, विलयन किस प्रकार का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना समांगी। विलयन दोस्तों कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो देखिएगा दोस्तों एटीपी का पूरा नाम है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीनोसिन और आगे आ जाएगा ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, फॉस्फेट, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों इन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, क्लोरोप्लास्ट दोस्तों इसको कहा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लें। देखिएगा इसी के अलावा दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा 101% दोस्तों आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिकिया कहते हैं, निलंबन क्या, टिंडल प्रभाव क्या, पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इनको नोट करते चलेंगे, और सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ से नोट कर लें और इनको अच्छे से पढ़ लें। तो देखिएगा दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मेरे द्वारा आप सबको दिखा दिया गया है, आप सभी लोग दोस्तों इस प्रकार से इसकी तैयारी कीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।